बोल भाई किन्ने ए एक किंटी दी खेड है जो छोटे बच्चे नाल खेडी जा सकती है। इस खेड नू चार तो छे बच्चे दे छोटे समूह जा बी तो ती बच्चे दे बड़े समूह विच खेड सकते हाँ। आओ देखिए कि ए खेड बड़े समूह विच किवें खेडी जाती है। सारे बच्चे एक गोल घेरे विच खड़े होंगे अते एक बच्चा विचकार खड़ेगा। विचकार खड़ा बच्चा कहेगा बोल भाई किन्ने। बाकी सारे बच्चे कहेंगे तुसे चाहो जिन्ने। फिर विचकार खड़े बच्चे ने एक संख्या कहनी है पर ध्यान रखो कि बोली गई संख्या खेडन वाले बच्चों की गिनती तो घट होवे। उदाहरण वजो जे उसने चार कहा तो बाकी बच्चों नू चार चार दे समूहां विच हो जाना है। अते जो बच्चे चार चार दे समूह विच नहीं होंगे ता ओ खेड तो बाहर हो जाएंगे। जेडे बच्चे खेड तो बाहर हो जाते हैं ओ बच्चे एक पासे खड़े होके खेड देख सकते हैं। इस तरह बोली जाने वाली संख्या बदलती रहेगी अते बच्चे उस संख्या दे अनुसार समूह बनाते रहेंगे। बोल भाई किन्ने जी चाहो जिन्ने। छह इस तरह एक खेड उदो तक जारी रहेगी जदो तक सिर्फ दो बच्चे नहीं रह जाते। हुन तुसी देखिया के इसनु बड़े समूह विच किवें खेडना है। आओ हुन देखिए कि इसनु एक छोटे समूह विच किवें खेडना है। एक वड्डा गोल घेरा बनाउंदे हां अते एक बच्चे नु उस घेरे दे विचकार खड़ा करदे हां। हुण विचकार खड़ा बच्चा बोलेगा बोल भाई किन्ने। बाकी सारे बच्चे कहेंगे जी चाहो जिन्ने। हुण विचकार खड़ा बच्चा एक तो दस दे विचकार एक अंक कहेगा। जे ओ छे कहिंदा है तां सारे बच्चियां नूं छे उंगलां दिखाउणियां पैणगियां अते तुसीं किसे भी तरीके नाल उंगलां दिखा सकदे हो। जे तुसीं चाहो ता तुसी एक हाथ दिया पांच उंगला अते दूजे हाथ दी एक उंगली दिखा सकते हो जा तुसी दोनों हाथां दिया तीन तीन उंगला भी दिखा सकते हो। अते हुन कोई भी बच्चा जो छे उंगला नहीं दिखा सकेगा उसनू घेरे तो बाहर कर दिता जाएगा। इस तरह अंक बदलते रहेंगे अते बच्चे अपनिया उन्निया उंगला दिखाते रहेंगे जिन्ने नंबर बोले गए हैं। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ।